हापुड़ में हुई पुलिस एवं अधिवक्ता के बीच झड़प के विरोध में अमेठी के अधिवक्ता कर रहे प्रदर्शन। बार काउंसिल के आह्वान पर 5 मांगों को लेकर धरने पर बैठे अधिवक्ता। हापुड़ के डीएम एसपी का स्थानांतरण सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन। मांगे ना पूरी होने पर आर पार की लड़ाई का ऐलान। अमेठी तहसील परिसर में चल रहा प्रदर्शन। आज किस तरह की समस्या को लेकर आप धरने पर बैठे और ज्ञापन करें? हापुड़ में जो अधिवक्ताओं को लाठीचार्ज किया था, उस प्रकरण को बार काउंसिल ने संज्ञान में लिया और 3 तारीख को उन्होंने एक पत्र जारी किया, जिसके संदर्भ में उन्होंने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आह्वान किया है। उसमें 5 मांगे हैं। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अविलंब स्थानांतरण। नंबर 2, दोषी पुलिस कर्मियों जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है तथा महिला अधिवक्ताओं को पीटने का कार्य किया है पर मुकदमा दर्ज हो। नंबर 3, प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें वापस सस्पेंड किया जावे। नंबर 4, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत प्रदेश में लागू किया जावे। नंबर 5 है, हापुड़ के घायल अधिवक्ताओं को तुरंत मुआवजा दिया जावे। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेगा अधिवक्ता संघ? बार काउंसिल निर्देश है कि 5 तारीख को हम लोग कल निर्देश है, उसके अनुसार हम लोग छह तक काम करेंगे।